अंडा का कोई भी रेसिपी हो बहुत जल्दी बनता है और डेली का इस्तेमाल होने वाला मसाला से ही बनाएंगे। अगर घर पर अचानक मेहमान आ जाए तो बहुत जल्दी अंडा का कोई भी रेसिपी बनाकर सर्व कर सकते हैं। और ऐसा कोई भी नहीं है जो अंडा खाना पसंद ना करता हो। अंडा में टेस्ट के साथ साथ प्रोटीन का मात्रा भी बहुत ज्यादा होता है। ये अंडा मुर्गी का नहीं है, बत्तख का है। तो चलिए इस रेसिपी को बना लेते हैं। नमस्कार, वेलकम टू पॉल्स रेसिपी। पॉल्स रेसिपी में मैं मंजू, आप सभी से निवेदन है वीडियो को स्किप किए बगैर पूरा देखें। उबला हुआ अंडा ली हूँ। बत्तख का अंडा साइज में बड़ा होता है और छिलका इसका मोटा, बहुत ही स्वादिष्ट होता है बत्तख का अंडा। एक खाइएगा तो मन भर जाएगा, जो खाया होगा इसका स्वाद कभी नहीं भूलेगा। चिकन मटन छोड़कर इसका रेसिपी खाना पसंद करेंगे। ऊपर का सख्त छिलका को छीलकर हटा देंगे। अगर ताजा अंडा रहा तो उसे छीलने में वक्त लगेगा। 10-12 दिन का पुराना अंडा बॉईल करके छीलने में वक्त नहीं लगता। ताजा अंडा होने के वजह से छीलने वक्त टूट गया। ये अंडा 2-3 दिन पहले का है। ताजा अंडा होने के वजह से छीलने में थोड़ा वक्त लगा है। हल्का हल्का कट लगा लेंगे ताकि नमक का फ्लेवर अंदर तक जाए। इसी तरह बाकी का और अंडा को भी कट लगा लेंगे। डालेंगे नमक, हल्दी, देगी मिर्च पाउडर। आहिस्ता से मिलाएंगे ताकि अंडा टूटे ना। हाथ से मिलाने के वजह से अंडा टूट गया। इसी तरह प्याला को घुमा घुमा कर मिला देंगे। देखिए बहुत ही अच्छी तरह से नमक, हल्दी, देगी मिर्च का कोटिंग हो गया। अंडा में डालने के लिए लिए हैं 2 मीडियम साइज का प्याज, टमाटर और मिर्ची। कट कर लेंगे। तीखा आप लोग अपने स्वाद अनुसार डालें। देखिए प्याज टमाटर को बारीक कट कर लिए हैं और मिर्ची को चीरा लगा कर कट किए हैं। इसे बनाने के लिए चले जाएंगे ओवन के तरफ। ओवन को ऑन करके फ्लेम को रखेंगे मीडियम। फ्राई पैन को बैठाएंगे। ओवन के ऊपर डालेंगे 2 टीस्पून सरसों का तेल। आप कोई भी कुकिंग ऑयल इस्तेमाल कर सकते हैं। तेल को फैला कर डालेंगे अंडा। 1-2 मिनट के बाद इसी तरह से घुमाते हुए अंडा को फ्राई कर ले। टूटा हुआ अंडा भी फ्राई हो रहा है। 3-4 मिनट फ्राई करने के बाद निकाल ले। उसी फ्राई पैन को ओवन के ऊपर बैठा कर डालेंगे 3 टीस्पून सरसों का तेल। डालेंगे जीरा, तेजपत्ता, सूखी मिर्च, साबुत गरम मसाला में इलायची, लौंग, दालचीनी। चलाते हुए 1 मिनट तक फ्राई कर लेंगे। डालेंगे बारीक कटा हुआ प्याज, टमाटर, मिर्ची, स्वाद अनुसार नमक। चलाते हुए अच्छी तरह से नमक के साथ मिला देंगे। नमक डालने के वजह से प्याज टमाटर बहुत जल्दी सॉफ्ट हो जाएगा, या फिर आप ढककर भी पका सकते हैं। अगर आप ढककर सॉफ्ट करना चाहते हैं तो फ्लेम को अवश्य लो कर दें और बीच बीच में ढक्कन हटाकर चलाते रहे। जलेगा भी नहीं और बहुत अच्छी तरह से सॉफ्ट होगा। देखिए प्याज, टमाटर, मिर्ची सॉफ्ट हो चुका है। इसे सॉफ्ट करने में 7-8 मिनट का वक्त लगा है लो मीडियम फ्लेम में। डालेंगे 1 टेबल स्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट। अच्छी तरह से मिलाते हुए 1-2 मिनट तक पका ले ताकि गार्लिक का स्ट्रॉन्ग फ्लेवर चला जाए। डालेंगे सूखा मसाला, 1 टीस्पून जीरा पाउडर, 1.5 टीस्पून धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गोल मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1 टीस्पून देगी मिर्च पाउडर, 1/2 टीस्पून मिर्ची पाउडर। आप इस मसाला को भिगो कर भी डाल सकते हैं। पानी डालकर अच्छी तरह से मिला देंगे। सूखा मसाला डालने वक्त फ्लेम को एकदम लो रखें, या फिर मसाला डालने से पहले थोड़ा गुनगुना पानी डाल दें। मसाला जलेगा भी नहीं और खुशबू भी बरकरार रहेगा। स्टर करते हुए तेल छोड़ने तक फ्राई कर ले। सूखा मसाला फ्राई करने में ज्यादा वक्त नहीं लगता है। देखिए मसाला फ्राई हो चुका है। इस मसाले को फ्राई करने में 4-5 मिनट का वक्त लगा है। डालेंगे 1 गिलास पानी। आप लोग जितना ग्रेवी रखना चाहे उसी हिसाब से पानी डालें। मसाले के साथ पानी को अच्छी तरह से मिलाते हुए फ्लेम को करेंगे मीडियम। उबाल आने तक पका लेंगे। देखिए उबाल आ चुका है ग्रेवी में। डालेंगे फ्राई किया हुआ अंडा। फ्राई पैन को घुमाते हुए ग्रेवी के साथ अंडा को अच्छी तरह से मिला देंगे और उबाल आने तक पका लेंगे। डालेंगे 1/2 टीस्पून गरम मसाला, 1/2 टीस्पून घी। मिलाते हुए 4-5 मिनट तक पका लेंगे। डालेंगे 1/4 टीस्पून चीनी। अगर पसंद ना हो तो स्किप कर सकते हैं। चीनी डालने के वजह से इसका टेस्ट और बढ़ जाता है। अच्छी तरह से मिलाते हुए 2-3 मिनट तक और पका लेंगे। आपके पास धनिया पत्ता हो तो जरूर डालें। मेरे पास नहीं है इसीलिए मैं डाल नहीं पा रही हूँ। अंडा पक चुका है। जिस प्याला में अंडा फ्राई करके रखे थे उसी प्याला में निकाल लेंगे। बनकर तैयार है बत्तख का अंडा का कड़ी रेसिपी। तेज पत्ता का काम हो चुका है, निकाल देंगे। अगर रेसिपी पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले।
सर्व कर लेंगे। इस रेसिपी को आप चावल, रोटी, पराठा, पूरी, फ्राइड राइस, पुलाव के साथ खा सकते हैं। एक अंडा को काट कर दिखाते हैं। इसका अंदर का पीला हिस्सा बहुत ज्यादा ही पीला होता है, साथ ही अंदर तक ग्रेवी जाने के वजह से पूरा अंडा ही पीला हो चुका है, और बहुत ज्यादा पीला होने के वजह से बत्तख का अंडा खाने में स्वाद लगता है। आप मेरी बातों को यकीन न करके बनाकर खा के देखें, आपको पॉजिटिव रिजल्ट तुरंत मिल जाएगा। बत्तख का अंडा का कड़ी रेसिपी बहुत ही स्वादिष्ट बनकर तैयार हुआ है, एक बार इस तरह से ट्राई कर सकते हैं। अगर पसंद आए तो वीडियो के नीचे एक लाइक देना ना भूलें, साथ ही घंटी को भी प्रेस करें। मैं जब भी कोई नया वीडियो अपलोड करूं, उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।